आज मीडिया के जो प्रतिनिधिगण हैं इनको ईवीएम मशीन के बारे में जानकारी दी गई थी यहाँ पे, और लोकसभा चुनाव 2019 के तहत जो मशीनें काम में आने वाली M3 मशीन, इसके फीचर्स के बारे में बताया गया। क्या फीचर है इसके? ये मशीन जो नई आई है, इस मशीन में एक तो पहले 4 बैलेट यूनिट जुड़ सकती थी जिससे 64 कैंडिडेट का चुनाव कराया जा सकता, अब इसमें क्या है कि 24 मशीनें जोड़ी जा सकती है, वो 384 कैंडिडेट का चुनाव इस मशीन से अब कराया जा सकता है। और वीपेट जो पहले M2 था उसमें VSDU अलग लगाया जाता था, अब वो VSDU हमारे कंट्रोल यूनिट में ही इसमें M3 मशीन में आ गया है। तो इसमें कोई मशीन में कोई किस तरह प्रॉब्लम है तो ये सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इसको टेस्ट करके बता सकती है कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। आइधर BU और वीपेट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई तो बैलेट ये कंट्रोल यूनिट है इसमें अपने आप मैसेज आ जाएगा और ये सेल्फ टेस्टिंग से पता लग जाएगा। ये नए फीचर्स आए इसमें। कितनी मशीनें टोटल काम में? अभी 1966 बूथ है हमारे, तो हर बूथ पे एक सेट काम में आएगा, प्लस हमारी जो आयोग के जो हम उसके अकॉर्डिंग रिजर्व मशीनें भी रखी हुई है। खराब होने के बाद रखी? हाँ, कोई मशीन खराब होती है, अगर वीपेट खराब होता है तो वीपेट बदल दिया जाता है एक्चुअल पोल के दौरान, या BU CU में कोई खराब होती है तो पूरा सेट बदला जाता है और वो पोल किया जाता है। अच्छा, जो आप बात कर रहे थे कि एक 5 जो वीपेट की पर्चा की रहेगी वो किसी आशय आरोप लगेगा या वैसे ही अपने को करनी है? मॉक पोल एक्चुअली मैंडेटरी प्रोविजन है, सुबह 7 बजे मतदान है तो एक घंटे पूर्व जो है, यदि 2 एजेंट आ गए तो 1 घंटे पूर्व करेंगे, 2 से कम एजेंट आए तो 15 मिनट वेट करेंगे एजेंट्स का, फिर 15 मिनट बाद में मॉक पोल स्टार्ट करेंगे। और मॉक पोल में कम से कम 50 वोट डाले जाते हैं और न्यूनतम एक एक वोट प्रत्येक कैंडिडेट को डाला जाना अनिवार्य है, और उसके बाद में उस मशीन के जो रिजल्ट है मशीन लेता लिया जाएगा इसका कंट्रोल यूनिट से, और वीपेट की पर्चियों का रिजल्ट लिया जाएगा, दोनों फिजिकल रिजल्ट और इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट को कंपेयर करके बताया जाएगा, दोनों रिजल्ट समान है। उसके बाद मशीन को क्लियर करके और वीपेट की पर्चियों को सील करके, मशीन को सील करके एक्चुअल पोलिंग स्टार्ट होगी। तो मॉक पोल किया जाता है, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, बताया जाता है एजेंट्स को कि मशीन परफेक्टली सही काम कर रही है। EVM खराब होने की स्थिति में जो समय बाधित होता है वो कैसे कवर करेंगे? नहीं, अब हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट साहिबान के पास में जो मशीन स्टैंड बाई रहेगी और वो मूवमेंट में रहेंगे, उनके पास ज़्यादा बूथ नहीं होते हैं, 8 से 10 बूथ होते हैं, तो वो इजीली 10-15 मिनट में पहुंच जाते हैं, तो 10-15 मिनट में जो है मशीन को रिप्लेस कर दिया जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। एक घंटा करीब लगता है तो एक घंटे की अब प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि इस तरह से मैं प्लान किया गया है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट इजीली वहाँ पहुँच जाए। किसी को डाउट होता है बटन के अलावा? नहीं, डाउट तो नहीं हो सकता है, कि अगर डाउट है किसी को तो एक टेस्ट फोर्स का प्रावधान है, रूल 49MA है कंडक्ट रेगुलेशन रूल 1961 का, उसमें अगर कोई ये क्लेम करता है कि इसमें वोट गलत गया मेरा या गलत डिस्प्ले हुआ है, तो वो एक घोषणा पत्र भर करके टेस्ट वोट डाल सकता है, लेकिन उसकी बात गलत पाई जाए तो फिर उसके खिलाफ़ प्रोसिक्यूशन कार्रवाई की जाएगी,